12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में तेजी लगातार जारी है। राज्य में जैसे जैसे मतदान के लिए समय कम हो रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी चरम की ओर जा रहा है। राज्य के सभी प्रमुख दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, साथ ही नुक्कड़ सभाओं और पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से भी राजनीतिक दल मतदाताओं के सामने अपना अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जा सके। सत्ता दल भाजपा की ओर से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर जहां प्रदेश भर में रैलियां कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से भी प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, विक्रमादित्य सिंह और आनंद शर्मा भी रैलियों व नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राजनीतिक दलों की विधानसभा चुनाव को लेकर इन गतिविधियों को डीडी न्यूज अपने दर्शकों तक जनादेश 2022 के माध्यम से विस्तार पूर्वक पहुंचा रहा है। जनादेश के आज के अंक में सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं की चुनावी रैलियों की और देखेंगे किस नेता ने कहां चुनाव प्रचार किया और क्या कहा। विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, खासकर रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से राजनेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में राजनीतिक दलों की इन रैलियों पर। दोनों जो ये प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल जी, आदरणीय मोदी जी, इन दोनों का हिमाचल के साथ भावनात्मक लगाव रहा है। कांग्रेस पार्टी भी जब से भारत आजाद हुआ है तब से लंबे समय तक सत्ता में रही है, एक से एक दिग्गज नेता हुए हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कोई भी कर सकते थे उन लोगों ने भी किया, लेकिन हिमाचल को छोटा राज्य होने के बावजूद इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो अहमियत दी वो किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने वो अहमियत हिमाचल को नहीं दी। मुझे तो नहीं लगता भाजपा की बातों में कोई बड़ा भारी दम है कि हम कोई रिवाज बदल रहे हैं या कोई ऐसी बात वो करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, रिवाज बदलने की बात करते हैं, पर जो लोग इन बातों से नहीं प्रभावित होते, लोग देखते कि आपने किया क्या 5 सालों में, अपने काम गिनाओ, बताओ हमारे को क्या किया, तब हम आपको कंसिडर करेंगे। पर इस तरीके की बातें करना, हमको पता है ना हम क्या दे रहे हैं, 10 गारंटी हमने पहले भी लोगों को आश्वासन दिए और काम किए हैं, लोग जनता जानती है इस बात को कि जो हमने कहा वो क्या है।